यानी अगला है, अगला देखिए, अगला ग्राफ वेरी इंपॉर्टेंट है, टाइट्रेशन ऑफ केसीएल सोल्यूशन अगेंस्ट सिल्वर नाइट्रेट। इसका ग्राफ कैसा होगा सोचिए, दिस इज कंडक्टोवेरी टाइट्रेशन ग्राफ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इससे पहले वाला वीडियो में हमने बताया था तीन ग्राफ, अभी चौथा ग्राफ देखिएगा जिसमें टाइट्रेशन ऑफ केसीएल सोल्यूशन लिया गया और इस केसीएल सोल्यूशन में धीरे धीरे बाहर से सिल्वर नाइट्रेट मिला दिया गया। मतलब यहाँ पे ऐसे समझिए, यहाँ पे केसीएल सोल्यूशन है और इसमें बाहर से हम लोग सिल्वर नाइट्रेट मिलाएंगे, थोड़ा थोड़ा मिलाएंगे, तो इसका कंडक्टेंस में क्या वेरिएशन होगा। वाई कोऑर्डिनेट जैसा पहले वाला वीडियो अगर आपने देखा है तो उसी से कंटिन्यूअस में है ये वाला वीडियो। अब यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट में देखिएगा कंडक्टेंस है, ये कंडक्टेंस, और दिस इज वॉल्यूम ऑफ सिल्वर नाइट्रेट एडेड, वॉल्यूम ऑफ सिल्वर नाइट्रेट जो हम लोग बाहर से एड कर रहे हैं, मतलब सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन में जिसमें की है उसको थोड़ा मिला रहे होंगे। बताइए मिलाने से पहले सोल्यूशन में कंडक्टेंस क्या होगा, सोल्यूशन में के प्लस और सी एल माइनस है, उसके कारण कुछ तो कंडक्टेंस होगा, मान लेते इतना होगा, पक्का इतना होगा, चाहे इतना मान लीजिए कुछ भी वैल्यू मान सकते हैं, इतना होगा, ये रेफरेंस दे रहे ना, तो इससे इससे पहले वाला में ऊपर रखे थोड़ा सा, क्योंकि इसमें एच प्लस ओ एच आयन, हमको आपको पता है कि किसी सोल्यूशन में अगर एच प्लस ओ एच आयन रहेगा तो उसका कंडक्टेंस सबसे ज्यादा रहेगा। सारा कैटायन में एच प्लस आयन का कंडक्टेंस सबसे ज्यादा और एनायन में ओ एच आयन का कंडक्टेंस सबसे ज्यादा, तो इस सोल्यूशन का इतना था। बाहर से सिल्वर नाइट्रेट मिलाएंगे तो रिएक्शन करेगा, देखिए सिल्वर नाइट्रेट रिएक्शन किया और दिस इज क्या बना भाई, NO3 प्लस AgCl प्रेसिपिटेट, आपका AgCl प्रेसिपिटेट है और प्रेसिपिटेट में आयन नहीं बनेगा, मतलब इसे कारण कंडक्टेंस नहीं होगा, और ये चूंकि बाहर से मिला रहे हैं तो लिमिटिंग रिएजेंट, तो हमेशा थोड़ा थोड़ा मिलाएंगे तो खत्म होते रहेगा, यानी KCl आयन इज रिप्लेस बाई KNO3 आयन, इसमें K प्लस भी सॉल्ट है, पूरा का पूरा टूटा रहेगा, तो K प्लस में रिप्लेस होगा, यानी जितना K प्लस खत्म हो रहा है सोल्यूशन में उतना ही आ रहा है, मतलब K प्लस के कारण कोई कंडक्टेंस में फर्क नहीं पड़ेगा, समझ आ रहा होगा प्रत्यक्ष। अब यहां पे देखिए Cl माइनस आयन रिप्लेस बाई नाइट्रेट आयन, Cl माइनस रिप्लेस बाई नाइट्रेट आयन, समझ आ रहा है आदर्श। अभिषेक तुम्हारे ही क्वेश्चन था भाई, इसलिए तुम्हारे हिसाब से बनाया गया है वीडियो। तो Cl माइनस आयन रिप्लेस बाई नाइट्रेट आयन, अब बताइए Cl, एक Cl गायब होगा तो एक नाइट्रेट बनेगा, और सीएल और क्लोरीन का साइन में लगा ज्यादा का फर्क नहीं होता है, तो कंडक्टेंस ऑलमोस्ट सेम, ऐसे जनरली मान के चल रहा ना, एच प्लस ओ एच आयन को छोड़ करके बाकी जितना भी कैटायन है उसका कंडक्टेंस लगभग थोड़ा मोड़ा का वेरिएशन है, लेकिन लगभग बराबर ही मान सकते हैं, थोड़ा मोड़ा का फर्क है, बट एच प्लस का कंडक्टेंस और बाकी कैटायन का कंडक्टेंस में काफी फर्क है। तो भाई यानी कि Cl आयन इज रिप्लेस बाय नाइट्रेट आयन, और ये तो सॉलिड प्रेसिपिटेट हुआ, इसका मतलब नंबर ऑफ आयन में कोई फर्क नहीं और H प्लस OH आयन का भी रोल नहीं है, इसका मतलब कंडक्टेंस ऑलमोस्ट कांस्टेंट, कब तक कांस्टेंट, टिल एंड पॉइंट, और जैसे ही एंड पॉइंट आया उसके बाद भी अगर मिलाते रहे तो कंडक्टेंस बढ़ेगा। दिस इज द ग्राफ, दिस इज ऑल अबाउट कंडक्टोमेरिक टाइट्रेशन ग्राफ। थैंक यू।